वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज एक जर्नी विस्टा डोम कोचेज में मैलानी से बिछिया तक, मैलानी बिछिया स्पेशल में हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है ये जर्नी ब्लॉग आपको पसंद आएगा क्योंकि ये खूबसूरत दुधवा के जो जंगल हैं उसके अंदर से होते हुए अंग्रेज़ों के ज़माने की ये रेल लाइन है जिसके ऊपर अब आधुनिक विस्टा डोम कोच जोड़े गए हैं। मैलानी बिछिया स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाई जा रही है पर्यटकों के लिए ताकि वो आएँ और इसके जो बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, खूबसूरत विंडोज़ हैं, इससे वो बाहर का जो नज़ारा है उसको देख सकें। फ़िलहाल हम तिकुनिया पहुँच चुके हैं और शुरुआत करते हैं मैलानी से, क्या कुछ रहा तिकुनिया तक उसको देखिए और यहाँ से फिर आगे बिछिया की कुछ झलकियाँ देखिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स में सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करिए। दोस्तों, ये है मैलानी जंक्शन जो कि NER जोन में लखनऊ मंडल में आता है। यहाँ बड़ी और छोटी लाइन दोनों ही गेज मौजूद हैं जो इसको एक अलग पहचान देते हैं। ये पीलीभीत लाइन और बहराइच लाइन जो नानपारा होते जाती है उसका जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर मैलानी लखनऊ और गोरखपुर से सीधी रेल सेवा से ये जुड़ा हुआ है और बड़ी लाइन से यहाँ पर आप लखनऊ और गोरखपुर की दिशा से आ सकते हैं, जबकि छोटी लाइन से आप बहराइच से मैलानी तक की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी यात्रा होने वाली है मैलानी से चलकर बिछिया जाने वाली 05320 स्पेशल ट्रेन से, जिसमें दो विस्टा डोम के कोच लगते हैं और ये मैलानी जंक्शन से सुबह 7 बजे शनिवार, रविवार और सोमवार को सप्ताह में 3 दिन चलती है। इसका एक आदमी का किराया जो है लगभग 310 रुपये चेयर कार जो विस्टाडोम कोच है उसका पड़ता है। अगर आप IRCTC की वेबसाइट से बुक करते हैं टिकट या ऐप से तो आपको विद टैक्सेस 310 रुपये का टिकट पड़ता है। 108 किलोमीटर की दूरी है बिछिया तक मैलानी जंक्शन से और 4 घंटा 30 मिनट का टाइम मीटर गेज छोटी लाइन पर लगता है विस्टा डोम कोचेज़ में इस यात्रा को करने के लिए। अगर आप मैलानी आना चाहते हैं तो मैलानी आकर के सबसे पहले आप अपना यहां रुकने के लिए रिटायरिंग रूम ले लीजिए। दो लोगों का किराया मात्र 100 रुपये है, आपको कमरा मिल जाएगा। यहां पर आपको अपने टिकट और अपनी ID की एक फ़ोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। सुबह सुबह का नज़ारा है, देखिए सूरज उदय हो रहा है, सूर्य धीरे धीरे आसमान में ऊपर आ रहा है, लाली बिखेर रहा है, हल्का कोहरा लगा हुआ है। नीचे छोटी लाइन की ट्रेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी हुई है और मैलानी का जो रिटायरिंग रूम है ये प्रथम आगत प्रथम स्वागत यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको मिलता है। मच्छर काफ़ी हैं तो उसके लिए कोई मॉस्किटो रिपेलेंट आप ज़रूर अपने साथ लें। तो ब्रिटिश टाइम की ये रेल लाइन है, 1911 में मैलानी गोंडा वाया बहराइच रेलखंड तैयार हो गया था और मैलानी से शारदा का सेक्शन 1892 में बन गया था। तो ये हमारी विस्टा डोम कोच देखिए आ गई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये ट्रेन खड़ी हुई है जिसमें आज हम यात्रा करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये ट्रेन दुधवा नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर से जाती है, तो इसीलिए जो फॉरेस्ट का एरिया है चूँकि जिसके अंदर से ये पर्यटकों को लेकर के ट्रेन जाएगी, 103 लोगों की इसमें कैपेसिटी है दो कोचेज़ में, तो बाहर जो हमारा वॉलपेपर आप कह सकते हैं लगाया गया है कोच के ऊपर, उस पर तरह तरह की आप देख सकते हैं कि जंगली जानवरों की जो आकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। और ये हमारी पावर है YDM-4 लोको तैयार है। फ्रंट से हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं अपनी स्पेशल ट्रेन का जो कि चलेगी मैलानी से बिछिया लेकर के हमको और सैर कराएगी दुधवा के खूबसूरत जंगलों की हमको। ये विस्टा डोम कोच के अंदर का नज़ारा है। सबसे पहले सुबह सुबह का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अभी हम ही लोग यहाँ पर अंदर आए हैं विस्टा डोम कोच में। इस प्रकार की कोच है, आरामदायक कुशन वाली सीटें यहाँ पर दोनों तरफ लगी हुई हैं, 2x2 की सीट्स हैं आप कह सकते हैं और बड़ी बड़ी विंडोज़ दोनों ही तरफ दी हुई हैं। पीछे की साइड पूरी फुल बड़ी विंडो एक दी हुई है जिससे बाहर का नज़ारा बिल्कुल साफ आपको नज़र आता है। यही इस विस्टाडोम की जान है जिससे खूबसूरत नज़ारे अभी हम आपको दिखाएंगे। ये है मैलानी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 और कोच इस प्रकार की होती है विस्टाडोम, एक झलक देखिए। तो
तो देखिए शीशों की साफ सफाई चल रही है, वर्कर्स लगे हुए हैं। और ये इसका टॉयलेट है, आप देख सकते हैं वेस्टर्न सीट लगी हुई है, ड्रायर है, वॉश बेसिन है, और इधर साइड में एक छोटा सा और स्पेस यहाँ पर बनी हुई है कुछ सामान रखने की, फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। और ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3, सामने TTE साहब खड़े हैं, यात्रियों का इंतज़ार हो रहा है। कुछ टूरिस्ट आज आ रहे हैं, लगभग 60 टूरिस्ट का कुछ ग्रुप आ रहा है आज। तो ये बाहर से झलक दो कोचेस की, हमारे पीछे वाला कोच हमारा है। तो AC ऑन हो चुका है हमारे विस्टाडोम कोच का, C1 कोच है हमारा। और हमारी जो सीट है देखिए 25 नंबर सीट है ये शीशे के पास। जनता का बराबर इसमें सहयोग मिलता रहेगा, लोग आते रहेंगे तो विस्टाडोम कोच भी हमारी चलती रहेगी मीटर गेज पे, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का अनुभव है। और ठीक 7 बज गए हैं और देखिए ट्रेन ने हमारे अब यहाँ से मैलानी जंक्शन से अपना डिपार्चर बुक कर दिया है। विस्टाडोम की पीछे हम आपको बैक साइड से ये व्यू दिखा रहे हैं। देखिए ट्रेन अब चल पड़ी है धीमे धीमे, कोहरा काफ़ी लगा हुआ है, हालांकि मार्च का महीना आधा बीत चुका है और अब कोहरा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं जैसा कि कोहरा नज़र आ रहा है धीरे धीरे छट जाएगा। तो ट्रेन अब अपनी गति को बढ़ाते हुए बिछिया की तरफ चल पड़ी है। तो विस्टाडोम कोच के अंदर से देखिए बाहर का जो नज़ारा है, खूबसूरत जंगल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैलानी से चलते ही जब आप चलेंगे भीरा की तरफ तो जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। ये सब दुधवा की अलग अलग रेंज है। तो विस्टाडोम कोच में आज जर्नी हम लोग कर रहे हैं और एक अलग प्रकार का अनुभव ये हो रहा है। आज भीड़ भी काफ़ी है, लगभग 60-65 लोग यहाँ पर आज जर्नी कर रहे हैं। और बाहर जैसा आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ विंडो पे, खूबसूरत नज़ारे। दुधवा नेशनल पार्क जो हमारा है उसके अंदर से ये ट्रैक जाता है और काफ़ी बड़े बड़े शीशेदार यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं इससे आपको बाहर का जो दृश्य है बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हालांकि हल्का कोहरा है आज और शोर आप सुन ही रहे हैं काफ़ी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं और काफ़ी एक्साइटेड है, शायद कुछ वाइल्ड लाइफ हमको दिख जाए। तो अब हम आप पहुँचे हैं भीरा, भीरा खीरी। ये पहला हॉल्ट है भीरा खीरी, जहाँ पर विस्टाडोम कोचेज आकर के रुकी हैं। और इधर हमारे स्पर्श भाई व्लॉग बनाते हुए। तो ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हैं अराउंड 45-46 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर चल रही है, तो कहीं पर 50 भी टच कर रही है। तो अब हमारी ट्रेन गुजर रही है शारदा के पुल के ऊपर से, शारदा रिवर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। एक ज़माने में ये रोड कम रेल ब्रिज था, इसी से गाड़ियाँ भी जो कार वगैरह ट्रक हैं वन वे हो जाता था, इसी से निकला करती थी। अब नया हाईवे का जो पुल है वो फिर बन गया है, तो इस पर अब सिर्फ रेलगाड़ियां ही निकल रही हैं। पूर्व के ज़माने में, पूर्व के समय में इस पर रोड भी आया करती थी, सड़क से ये लिंक था। तो चाय आ गई, सुबह सुबह का समय विस्टाडोम के अंदर गरम गरम चाय और क्या चाहिए। तो विस्टाडोम आ पहुंची है अब पलिया कला, भीरा के बाद अपने दूसरे स्टॉप पर, ये दूसरा हॉल्ट है। और काफ़ी सारे यात्री यहाँ आज आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है।
हर्ष भाई बैठे हैं हमारे। तो देखिए अब हम लोग फॉरेस्ट एरिया में एंटर हो चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क के, और दोनों ही तरफ ट्रैक के अब आपको देखिए हरियाली जो नज़र आ रही है, ये जंगल का एरिया शुरू हो गया है। हाँ मगरमच्छ है घड़ियाल, तो पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ दिखाई दे गया। और कुछ के अंदर आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे दुधवा टाइगर रिजर्व के अंदर से जा रही है इस समय हमारी विस्टाडोम कोचेस मैलानी बिछिया स्पेशल ट्रेन में ये दो कोच लगाए जाते हैं। और होली की छुट्टियों के बाद अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो देखिए पर्यटक काफ़ी सारे सैलानी इसका लुत्फ ले रहे हैं। तो खूबसूरत नज़ारे आप देखिए, लेकिन वाइल्ड लाइफ को कैप्चर कर पाना चलती हुई ट्रेन से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप कैमरा तैयार करें कब कहां पर कौन सा जानवर निकल जाएगा कुछ पक्का पता नहीं होता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कैसे लहराती हुई छोटी लाइन, अंग्रेजों के जमाने की ये पटरी है और जिसके ऊपर आप देखिए जंगल के अंदर से हम लोग जा रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए। छोटी लाइन के इस सेक्शन पर जो सिग्नलिंग सिस्टम है सब मैनुअल है पुराना, आप सामने देख सकते हैं हमारे ओल्ड सिग्नलिंग सिस्टम यहां पर लगा हुआ है और सब कुछ यहां पर मैनुअली ही ऑपरेट होता है। तो ट्रेन हमारी अब पहुंच रही है दुधवा स्टेशन के ऊपर, जब हम पहुंच गए प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहां पर 5 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक है, दुधवा आ गए हम लोग, हॉल्ट है और आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे विस्टाडोम के। और कोहरा भी अब छट चुका है, धूप अच्छी निकल आई है तो वीडियो भी अच्छा बन जाएगा। ये दुधवा स्टेशन का साइन बोर्ड देखिए आ गया और पर्यटक जो हैं वो अब आनंद ले रहे हैं, हालांकि बहुत ख़ास कोई वाइल्ड लाइफ अभी तक नज़र नहीं आई है। तो अब हम आ पहुंचे हैं दुधवा स्टेशन के ऊपर, हमारी विस्टाडोम कोच पहुंच गई है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं नज़ारा, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ उतरे हुए हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो ले रहा है, कोई रील्स बना रहा है। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा, इस समय 9:15 बज रहा है, हम लोग पहुँच गए हैं दुधवा। तो ये है दुधवा, देखिए नेशनल पार्क के अंदर ये यहाँ पर स्टेशन है और हमारी विस्टाडोम कोच अब यहाँ पर देखिए टूरिस्ट जो हैं वो आ पहुँचे हैं दुधवा। लोगों में भारी उत्साह है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोगों को, और ये आप देख सकते हैं। तो ये चाय पानी की दुकान है यहाँ पर दुधवा, और सामने साइन बोर्ड आप देख सकते हैं दुधवा का आ रहा है, और ये इधर टिन शेल्टर पे देखिए दुधवा लिखा हुआ है।
तो टाइगर रिजर्व दुधवा यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। अब बीच में ये स्टेशन पड़ता है और पुराने देखिए ब्रिटिश टाइम के सब सिग्नल्स यहाँ पर जो ऑपरेट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा यहाँ पर ब्रिटिश काल का ही है। और अब मेन एरिया जो फॉरेस्ट का है यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा, तो देखते हैं क्या नज़ारे दिखते हैं और क्या वाइल्ड एनिमल्स कुछ नज़र आते हैं कि नहीं नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत कर्व पे कैसे ट्रैक मीटर गेज का आ रहा है और ट्रेन हमारी चल रही है बिछिया की दिशा में। वाइल्ड लाइफ देखने के लिए वैसे सबसे अच्छा जो मौसम होता है दिसंबर से फरवरी के बीच का रहता है, क्योंकि तब खुले घास के मैदानों में चाहे शेर हो, हिरन हो, कोई भी जानवर हो, वो धूप खाने बाहर निकलते हैं ओपन में, तो विजिबिलिटी के चांसेस अधिक रहते हैं। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ देखनी है तो प्लान करिए दिसंबर से फरवरी के बीच में। और जितने भी पर्यटक हैं सबकी निगाहें बाहर खिड़की से लगी हुई हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर, शायद कोई जानवर दिख जाए। कभी कभी हाथी भी नज़र आ जाते हैं, लंगूर काफ़ी नज़र आए हम लोगों को, मोर नज़र आया, बंदर नज़र आए। कहते हैं अगर आपको वाइल्ड लाइफ और स्पेशली अगर शेर देखना हो, टाइगर बाघ, तो किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, किस्मत साथ देगी तो आपको ज़रूर दिख जाएगा। तो हमारी विस्टाडोम ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जो है अब अपने अगले पड़ाव बेलराया आ गई है। सामने साइन बोर्ड आप देख सकते हैं बेलराया स्टेशन का, और यहाँ पर अब 2 मिनट का हॉल्ट है, ट्रेन रुक गई है, लोग उतर के नीचे आ गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर पर्यटक, और इस यात्रा का वास्तव में आनंद ले रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग प्रकार का अनुभव हो रहा है। और यहाँ से अब डिपार्चर हो गया हमारा, ट्रेन आगे चल पड़ी है बिछिया की दिशा में। अब हम आ पहुंचे हैं तिकुनिया, और यहाँ पर भी 2 मिनट का छोटा सा हॉल्ट है। विस्टाडोम कोचेस में टूरिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शीशे हैं जिससे आप बाहर का खूबसूरत नज़ारा जंगल का देख सकते हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ आज नज़र नहीं आई कोई खास। तो एक अलग तरह का अनुभव हो रहा है, और मेरा ये पहला अनुभव है किसी विस्टाडोम कोच में यात्रा का, और वो भी मीटर गेज की यात्रा छोटी लाइन पर, अपने आप में एक रोमांच भर देती है। तो यहाँ पर अभी हम तिकुनिया पहुँच गए हैं, और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशन, ये काफ़ी बड़ी विंडो है पीछे। विस्टाडोम की यही खासियत होती है कि यहाँ पर जो बैक साइड है लास्ट कोच, उसमें फुल विंडो दी जाती है जिससे कि आप बाहर का जो नज़ारा है पूरा वो देख सकते हैं। और कितनी स्पेस है इसको हम आपको दिखाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से विस्टाडोम में पीछे की स्पेस होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग के लिए भी दिया हुआ है, और फैंस वगैरह लगे हैं, और यहाँ पर एसी लास्ट में दिया हुआ है, और पीछे रेलिंग है इस तरह से जिससे कि आप पकड़ करके यहाँ पर खड़े हो सकें। जब ट्रेन चलती है मूवमेंट में होती है तो जर्क लगते हैं, हिलती डुलती है, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, इसके लिए यहाँ पर ये स्टील की रॉड लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी विंडो है, यहाँ से किस प्रकार से नज़ारा बाहर का दिखाई देता है। ये तिकुनिया स्टेशन है, एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर,
और बराबर कोच के बाहर आ रहे हैं, कोई चढ़ रहा है ऊपर। और देखिए सिग्नल हो गया है यहाँ पर, अब सिग्नल हो गया है और अब हमारी ट्रेन यहाँ से चलने वाली है। पर्यटक जो हैं वापस विस्टाडोम कोच में अब अपना स्थान ले रहे हैं और ग्रुप में देखिए लोग फोटो ले रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। तो हम अब आ पहुंचे हैं मंझरा पूरब और यहाँ पर कुछ बंदर दिखाई पड़े। तो बंदर नजर आया यहाँ पे मंझरा पूरब, ठीक है। मंझरा पूरब में बाहर सामने डैम का पीछे का जो पानी है देखिए काफी यहाँ पर दूर तक आया हुआ है और सामने यहाँ पर शॉप्स हैं। आप ट्रेन से उतर करके यहाँ कुछ देर रुकती है, पानी की बोतल वगैरह ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, पकौड़ी है, समोसे हैं, सब मिलता है। और यहाँ से अब हमारी ट्रेन आगे चल पड़ी है बिछिया की दिशा में। देखिए किस प्रकार से पॉइंट्स और सिग्नल सब पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो रही हैं। बड़ी लाइन पर तो सब अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो गई है। और अब हमारी ट्रेन गुजर रही है घाघरा बैराज से, बहुत बड़ा बैराज है ये और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है। अलग अलग कैनाल्स यहाँ से निकली हैं, एक तरफ रोड है इस पर और एक तरफ हमारा ये रेल ट्रैक गुजरता है। जैसा आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर आपको सड़क दिख रही होगी और ये हमारी छोटी लाइन घाघरा नदी को अब पार करते हुए नेपाल से आती है और यहाँ पर नेपाल के भी सिग्नल्स जो हैं मोबाइल के टावर वो यहाँ पर कैच कर लेता है सिग्नल्स। जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको मैसेज आएगा वेलकम टू नेपाल और रोमिंग चार्जेस लग सकते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आपको नेपाली करेंसी भी देखने को मिल जाती है क्योंकि नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है पूरा, बहुत नज़दीक है यहाँ से नेपाल, तो इसके कारण यहाँ पर नेपाली करेंसी भी दिख जाती है। और देखिए सामने जो है नीचे बोट्स में लोग मछुआरे जो है वो मछली पकड़ रहे हैं, फिशिंग हो रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये नज़ारा सिर्फ आपको विस्टाडोम से दिख सकता है, अगर आप नॉर्मल डिब्बे में सफ़र करते हैं छोटी लाइन पर तो एक तरफ का ही दृश्य आपको दिखेगा, दूसरे साइड के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इसमें यही खूबसूरती है और फ़ायदा है विस्टाडोम में कि आपको पूरा ओवरऑल एक व्यू एक ही जगह देखने को मिल जाता है जो कि एक अलग प्रकार का दृश्य पेश करता है। और नीचे देखिए गेट खोला गया है तो पानी किस तरह से निकल रहा है। तो ये घाघरा बैराज को पार करते हुए अब हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है बिछिया की तरफ और साइड में जो छोटे छोटे और गेट्स हैं जिनसे कैनाल्स निकलती हैं इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई होता है, दिया जाता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ हिरन दिखाई पड़े, पर्यटकों को थोड़ा आनंद आया, तालियां भी बजा रहे हैं लोग। और ये अब हम पहुंच गए हैं बिछिया अपने अंतिम स्टेशन पर, अपने डेस्टिनेशन पर जहां पर हमारी ये विस्टाडोम की यात्रा समाप्त होगी। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो बिछिया स्टेशन पहुंच करके लोको रिवर्स हो जाता है और ये विस्टाडोम कोच यहां पर आप देख सकते हैं, मैलानी बिछिया स्पेशल ट्रेन अब खड़ी हुई है जो कि यहाँ से वापस जाएगी फिर मैलानी जंक्शन को। 13:45 पर यहाँ से मैलानी रवाना होगी।